जापान जापान जापान, आज हम जापान से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताएंगे जो शायद आप जानते हो या शायद आपके लिए नया हो। जापान में हर साल लगभग 1500 भूकंप आते हैं, मतलब कि हर दिन चार भूकंप। एक ऐसी कौम है जिसे जापान में नागरिकता नहीं मिलती, मगर विषय जापान का है इसलिए मैं जापान के विषय में आगे बताता हूँ। जापान के किसी विद्यालय में अरबी या अन्य कोई भाषा नहीं सिखाई जाती। कुत्ता पालने वाला प्रत्येक जापानी नागरिक उसे घुमाते समय अपने साथ एक विशेष बैग रखता है जिसमें वह उसका मल एकत्र कर लेता है। जापान में 10 साल की उम्र होने तक बच्चों को कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती। जापान में बच्चे और अध्यापक एक साथ क्लासरूम को साफ करते हैं। जापान के लोग की औसत आयु दुनिया में सबसे ज्यादा है, 82 साल। जापान में 100 साल से ज्यादा उम्र के 50,000 लोग हैं। जापान के पास किसी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन नहीं है और वे प्रति वर्ष सैकड़ों भूकंप भी झेलते हैं, किंतु उसके बाद भी जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। सुमो जापान की सबसे लोकप्रिय खेल है। इसके अलावा बेसबॉल भी काफी लोकप्रिय है। जापान में सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, जहां साक्षरता दर 100% है। जहां अखबारों और न्यूज चैनलों में भारत की तरह दुर्घटना, राजनीति, वाद विवाद, फिल्मी मसाले आदि पर खबरें नहीं छपती। यहां पर अखबारों में आधुनिक जानकारी और आवश्यक खबरें ही छपती है। जापान में जो किताबें प्रकाशित होती है उनमें से 20% कॉमिक बुक्स होती है। जापान में नव वर्ष का स्वागत मंदिर में 108 घंटियां बजाकर किया जाता है। जापानी लोग समय के बहुत पक्के होते हैं। यहां तो ट्रेन भी ज्यादा से ज्यादा 18 सेकेंड लेट होती है। बस वेंडिंग मशीन वह मशीन होती है जिसमें सिक्का डालने से कोई चीज आदि निकल आती है, जैसे कि नूडल्स, अंडे, केले इत्यादि। जब आप जापान में होंगे तो इन मशीनों को हर जगह पाएंगे। यह हर सड़क पर होती है। जापान में लगभग 55 लाख वेंडिंग मशीन है। जापान में देर रात तक नाचना मना है। जापान में एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके बीच से हाईवे गुजरता है। जापान चारों ओर से समुद्र से घिरा होने के बावजूद भी 27% मछलियां दूसरे देशों से मंगवाता है। काली बिल्ली को जापान में भाग्यशाली माना जाता है। जापान में 90% मोबाइल वाटरप्रूफ है, क्योंकि ये लोग नहाते समय भी फोन यूज करते हैं। जापान में 70 तरह की फैंटा मिलती है। जापान में सबसे ज्यादा सड़कें ऐसी हैं जिनका कोई नाम नहीं है। जापानियों के पास सॉरी कहने के 20 से ज्यादा तरीके हैं। जापान दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता है। साल 2011 में जापान में जो भूकंप आया था वह आज तक का सबसे तेज भूकंप था। इस भूकंप से पृथ्वी के घूमने की गति में 1.8 माइक्रोसेकेंड्स की वृद्धि हुई है। जापान दुनिया का केवल इकलौता देश है जिस पर परमाणु बमों का हमला हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम फेंके थे। इन बमों को लिटिल बॉय और फैट मैन नाम दिया गया था। जापान में इस्लाम पंथ नहीं होने के कारण वहां पर स्लीपर सेल्स नहीं है और वहां एक भी आतंकी वारदात नहीं होती है।
जापान इसलिए पूर्ण विकसित है क्योंकि यहाँ मौजूद वह सरकारी कर्मचारी को वेतन समान मिलता है, शिक्षा प्रणाली भी समान है, गरीब अमीर को एक समान शिक्षा मिलती है। यदि यह जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे आगे जरूर फॉरवर्ड कर सकते हैं क्योंकि अच्छी जानकारियों को फॉरवर्ड मिलना ही चाहिए। बाकी आपके हाथ। धन्यवाद।